हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GLC IAS। आई एम योर एजुकेटर आकांक्षा पहरे। एंड हमारी ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ अभी स्टार्ट हुई है, इसमें आई विल बी टेकिंग योर यूनिट 7, जिसमें साइंस पोर्शन में आपका कवर करा रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे, तो आज उसी का पार्ट 2 में लेके आई हूँ। आज हम और आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर GLC IAS की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री इंग्लिश हिंदी मीडियम बोथ मीडियम में आपको फ्री नोट्स वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जेरेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। जेरेंटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को बोला जाता है? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? चिल्ड्रन, विमेन, स्किन डिजीज़ और एजिंग। इन चारों में से क्या स्टडी को जेरेंटोलॉजी बोलते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एजिंग। एजिंग क्या होती है कि जैसे हम चाइल्डहुड से हम अडल्ट्स में आते हैं, फिर अडल्ट से ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज होती है, हम बूढ़े होते हैं, उसमें सोशली, मेंटली और फिज़िकली एस्पेक्ट्स में पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन पे जो स्टडी की जाती है उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम दूसरे ऑप्शंस में देखें तो चिल्ड्रन की जो स्टडी होगी इसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स इज द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। और स्किन डिजीज की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मा मीन्स, जहाँ पे भी डर्मा वर्ड आए तो समझ लेना कि वो स्किन से कुछ रिलेटेड है। तो स्किन डिजीज़ की स्टडी को क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजी। तो ये अलग से जो फैक्ट्स हैं ये भी आप नोट करते जाइएगा, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। तो जेरेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। ऑप्शंस हैं कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल और वॉट। इनमें से क्या है, कौन सी यूनिट है जो हीट की यूनिट नहीं है? फोकस करना कि क्या पूछा है, हीट का यूनिट पूछा है या ये पूछा है कि जो हीट का यूनिट नहीं है। हीट क्या है? बेसिकली एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। तो कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल, ये तीनों जो यूनिट्स हैं ये हीट की यूनिट है, और जो वॉट है ये आपकी पावर की यूनिट है। वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, नॉट हीट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सभी ने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी किसी चीज़ का अटेंशन वार्निंग होती है किसी बोर्ड पे, या फिर कुछ डेंजरस वार्निंग होती है, डेंजर का साइन होता है, तो हमेशा वो रेड कलर से बनाया जाता है। या फिर ट्रैफिक सिग्नल में जो स्टॉप लाइट होती है वो रेड लाइट होती है। क्यों होती है? ताकि वो दूर से ही इजीली विजिबल हो, काफ़ी दूर से इंसान को वो आसानी से दिख जाए। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सारे कलर्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और रेड कलर से वो बनाते हैं। तो किस कलर की वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगी? रेड कलर की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेड। रेड कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोस्टेट। नाउ थर्मोस्टेट क्या है? इधर से हमको पता चल रहा है थर्मो का मीनिंग हम निकाल सकते हैं कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड हो सकता है। थर्मो मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर। स्टैट क्या होता है? स्टैट मीन्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट और फिर
स्टेबल, कॉन्स्टेंट या स्टेबल। तो थर्मोस्टैट ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर के एक वैल्यू पे, टेम्परेचर की एक वैल्यू को मेंटेन करके रखता है, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, थर्मोस्टैट इज़ यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर। थर्मोस्टैट्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो जैसे जो एयर कंडीशनर्स होते हैं या बड़ी बिल्डिंग्स में जो सेंट्रल कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, उसमें जहाँ टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना होता है किसी भी एक पर्टिकुलर डिग्री पे, तो एयर कंडीशनर्स के अंदर थर्मोस्टैट का यूज़ होता है। चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करते ही हैं, उसके साथ आपकी जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस होती है वो आपकी रियल टाइम प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, जो आपको टेस्ट सीरीज़ के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो आप हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइडेड है, आप इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में एनरोल कर सकते हैं, तो प्लीज़ एक बार चेक करिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच गैस इज़ प्रेजेंट इन कॉमन ट्यूब लाइट्स। जो कॉमन ट्यूब लाइट्स होती हैं, आजकल तो LEDs आ गई है, लेकिन जो ट्यूब लाइट्स हुआ करती थी उसमें कौन सी गैस का यूज़ होता है। ऑप्शन क्या है, आर्गन विद सोडियम वेपर, नियॉन विद सोडियम वेपर, आर्गन विद मर्क्यूरी वेपर और नियॉन विद मर्क्यूरी वेपर। तो इसमें आर्गन और नियॉन जो है ये क्या है, आपकी इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं जो किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ट्यूबलाइट्स में मोस्टली क्या होता है, जो आर्गन होती है वो फिल्ड होती है विथ मर्क्यूरी वेपर। आर्गन विद मर्क्यूरी वेपर को हम यूज़ करते हैं ट्यूबलाइट्स में। तो जो क्या होता है, जो मर्क्यूरी वेपर होती है, Hg मर्क्यूरी का सिंबल होता है, तो इसको जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड होता है, जब हाई वोल्टेज होता है तो जो मर्क्यूरी होता है वो ग्लो करता है, और जैसे ही ग्लो करता है तो वो यूवी लाइट को रेडिएट करता है और हमको लाइट मिलती है। इसलिए ट्यूबलाइट में क्या, कौन सी गैस यूज़ हो रही है, आर्गन यूज़ हो रही है मर्क्यूरी वेपर के साथ। ओके, तो द आंसर इज आर्गन विद मर्क्यूरी वेपर इज यूज इन कॉमन ट्यूब लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में किसका यूज होता है, जिरकोनिया, यूरेनियम, वेनेडियम और नन ऑफ द अबव। तो अब जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में बेसिकली जो एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो धीरे धीरे डिके, जो स्टेबल नहीं होते हैं, धीरे धीरे उनमें डिके होता रहता है, तो उनमें न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होती है। और जैसे ही ये न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होती है तो उसमें ये अपने कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं जिनसे एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ऐसा एलिमेंट, इन सब में ऐसा एलिमेंट कौन सा होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, यूरेनियम। जिरकोनिया रेडियो एक्टिव नहीं है, वेनेडियम रेडियो एक्टिव नहीं है, यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसको न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज़ किया जाता है। सो द आंसर इज यूरेनियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़ी मशीन्स नहीं, छोटे में भी यूज़ करते हैं, स्मूदनिंग एज अ स्मूदनिंग एजेंट जो होता है वो ल्यूब्रिकेंट को यूज़ करते हैं। जब मशीन्स के पार्ट में जाम हो जाते हैं तो उनको स्मूथ करने के लिए, उनकी वर्किंग स्मूथ बनाने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स का यूज़ करते हैं। तो पूछा गया है कि वो ल्यूब्रिकेशन में क्या यूज़ होता है, इनमें से क्यूपराइट, हेमाटाइट, क्रायोलाइट या फिर ग्रेफाइट। तो ल्यूब्रिकेंट में ग्रेफाइट का यूज़ होता है। ग्रेफाइट का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि
ग्रेफाइट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे में स्लिप करते हैं, और यही स्लिप पेज जो होता है वो ल्यूब्रिकेंट में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, आप हमारे ऐप डाउनलोड करेंगे GLC IAS का, तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइडेड है, तो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए, तो आप प्लीज़ आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बनाइए और उसमें एनरोल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नोबल गैस इज, इनमें से कौन सी गैस है जो कि नोबल गैस है। अब नोबल गैस क्या होती है, अभी हमने पढ़ी थी इनर्ट गैस, कहाँ, ट्यूबलाइट में इनर्ट गैसेस होती हैं, तो नोबल गैस जो होती है उसी को हम इनर्ट गैस के नाम से भी बोलते हैं। नोबल गैस एंड इनर्ट गैसेस आर सेम। और इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, मतलब ये किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करेंगी, ये अपने आप में इतनी स्टेबल होती हैं कि इनको किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें से हाइड्रोजन जो है वो नोबल गैस नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिव होती है, ऑक्सीजन भी रिएक्टिव होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी रिएक्टिव गैस होती है। सो हीलियम इज़ योर नॉन रिएक्टिव गैस, मीन्स हीलियम इज़ इनर्ट गैस, नोबल गैस। हीलियम के अलावा और कौन सी गैसेस आती हैं इनर्ट गैसेस में, एक आती है आपकी आर्गन, एक होती है नियॉन और एक होती है ज़ेनॉन। तो ये तीनों भी आपकी क्या होती हैं, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन एंड ज़ेनॉन। तो करेक्ट ऑप्शन इज हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, विनेगर का केमिकल नेम क्या है, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और टार्टरिक एसिड। विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है सिरका। विनेगर में क्या मिलता है हमको, एसिटिक एसिड, तो विनेगर का केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH होता है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल नेम याद रखना एसिटिक एसिड का, विनेगर। ब्यूटायरिक एसिड हमको कहाँ मिलता है, बटर में मिलता है, बटर या बाकी जो फैट्स होते हैं उसमें भी ब्यूटायरिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, या एंड्स जो चींटियाँ होती हैं, चींटियों में कौन सा एसिड होता है, लाल चींटी, काली चींटी नहीं, लाल चींटियों में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है, टार्टरिक एसिड हमको मिलता है टैमरिंड में। अब पूछो मैम ये टैमरिंड क्या होता है, इमली जो होती है खट्टी, इमली में हमको टार्टरिक एसिड मिलता है। तो एसिटिक एसिड है विनेगर, ब्यूटायरिक एसिड मिलेगा आपको बटर में, फॉर्मिक एसिड मिलेगा एंड्स में, टार्टरिक एसिड मिलेगा टैमरिंड में। तो ये जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इनको भी याद करते चलिएगा साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बन डेटिंग इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ, कार्बन डेटिंग क्या होती है, एक मेथड है जिससे किसी चीज़ की एज पता लगाते हैं। तो अब कार्बन डेटिंग मेथड से किस चीज़ की एज पता करते हैं हम, फॉसिल्स की एज पता करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो एंशियंट टाइम के लिविंग क्रिएचर्स होते थे, बहुत पुराने, जैसे डायनासोर्स हम ले सकते हैं, बहुत पुराने जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स जो उस टाइम पे ज़िंदा थे, आज हमारे टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स में उनकी बोन्स हो सकती हैं, हड्डियाँ या उनके टीथ, उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो अभी तक, तब से अब तक अर्थ में कहीं प्रिजर्व हो गया है, कहीं सुरक्षित रखा हुआ है, तो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है या स्टडी होती है तो उसमें से वो फॉसिल्स अभी निकल रहे हैं। तो जैसे डायनासोर के फॉसिल्स भी मिलते हैं, तो उन फॉसिल्स की जो एज पता करते हैं हम, वो एज किसके थ्रू पता करते हैं, कार्बन डेटिंग
मेथड के यूज, कार्बन डेटिंग मेथड को यूज करके हम फॉसिल्स की एज पता करते हैं। अभी रिसेंट आए शायद 2020 में जो इंडिया में अर्थ का जो ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल है, सॉरी ओल्डेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग तो नहीं है अभी, धरती का जो सबसे पुराना जीव था उसको अप्रोक्सीमेटली हम 570 मिलियन ईयर्स पुराना रिसर्चर्स ने उसकी एज पता करी है, वो है डिकिन्सोनिया। डिकिन्सोनिया नाम का एक क्रिएचर है जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है, उसका फॉसिल मिला था इंडिया में, कहाँ पे? भीमबेटका केव्स में मिला था। तो अब उसकी एज कैसे कैसे पता किया कि वो 570 मिलियन ईयर्स पुराना है, उस पर कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ किया था। तो कार्बन डेटिंग मेथड हम किसकी एज पता लगाते हैं उसके थ्रू? फॉसिल्स की एज पता लगाते हैं, ठीक है। नाउ हमारी आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे GLC IAS की, तो उसमें आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के ही ई नोट्स प्रोवाइडेड हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए, तो आप एक्सेस कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्लाइंग मैमल, इनमें से कौन सा मैमल है जो कि फ्लाई करता है? तो जो हमारा फाल्कन और ऑस्ट्रिच है, ये तो बर्ड्स आता थी, ये दोनों क्या है? बर्ड्स हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रिच उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड है ऑस्ट्रिच। और जैगुआर और बैट जो है, ये दोनों मैमल्स हैं। मैमल्स कौन होते हैं? जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो अब जैगुआर उड़ता नहीं है, किसी ने जैगुआर को उड़ते तो देखा नहीं है। अब जो बैट होती है, चमगादड़ जो होती है, वो तो उड़ती है। तो बैट चमगादड़ जो होती है वो उड़ती ज़रूर है, लेकिन वो बर्ड नहीं होती है, वो क्या होती है? मैमल होती है। तो चमगादड़ जो है वो क्या है? इट इज़ अ फ्लाइंग मैमल। सो बैट इज़ योर फ्लाइंग मैमल, बर्ड नहीं है बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्च इज़ अ मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और अ प्रोटीन, स्टार्च इनमें से क्या है? तो अब इधर पे देखो, ये जो सेक्राइड वर्ड लिखा हुआ है ना, जहाँ पे भी सेक्राइड वर्ड लिखे उसका मतलब होता है शुगर ना। शुगर बेसिकली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जब शुगर की एक यूनिट होती है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का शुगर ही है, शक्कर ही है वो भी। तो ग्लूकोज है, एक ही यूनिट है शुगर की, इसलिए वो मोनोसेक्राइड है, ठीक है। अब अगर दो ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएं या दो शुगर यूनिट आपस में जुड़ जाएं तो वो डाइसेक्राइड कहलाता है, और जब बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ जाएं तो वो पॉलीसेक्राइड बनाता है। जैसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में बॉन्ड बनाने, मतलब दो से ज़्यादा, तो ये क्या होता है? एक पॉलीसेक्राइड बन जाता है। तो जो स्टार्च होता है वो ऐसे, स्टार्च किससे बना हुआ होता है? बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टार्च क्या है? इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड, है ना। और बेसिकली है क्या? ग्लूकोज से बना हुआ पॉलीसेक्राइड है। और स्टार्च कहाँ पाया जाता है? स्टार्च जनरली पाया जाता है पोटैटो में, आलू में स्टार्च पाया जाता है, क्योंकि वो शुगर होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को मना करते हैं कि आलू नहीं खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन किडनीज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स, ह्यूमन बॉडी की जो किडनीज होती हैं उनका फंक्शन पूछा है, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन या न्यूट्रिशन। तो एक किडनीज क्या करती हैं? बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, या फिर जो हमारी
ब्लड में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, बिल्ड हो जाते हैं, जो एक्सेस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बेसिकली बॉडी से निकालने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। तो किडनी क्या परफॉर्म करती है? एक्सक्रीशन, जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन, एंड एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियोफाज इज, बैक्टीरियोफाज इनमें से क्या है? बैक्टीरिया विद फ्लैजिला, फ्लैजिला हम बोल सकते हैं एक तरह की उसकी पूछ को हम फ्लैजिला बोलते हैं, तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिला है, या फिर न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरिया, नया नया बना हुआ बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस ना, बैक्टीरिया अलग होता है और वायरस अलग होता है, तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि वायरस को इन्फेक्ट करता है, ये लास्ट ऑप्शन है, अ वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसा बैक्टीरिया है जो कि वायरस को इन्फेक्ट करता है, या ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो क्या होता है? बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस। क्या होता है? ये वायरस पार्टिकल होता है ना, इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो बैक्टीरिया, जैसे अभी कौन सा वायरस आया था? कोरोना वायरस आया था, अभी भी है। तो कोरोना वायरस किसको इन्फेक्ट कर रहा है? ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है, हम सबको इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करेगा? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। सो बैक्टीरियोफाज क्या है? इट इज़ अ वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस कहलाता है बैक्टीरियोफाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, गोइटर एक डिजीज है, पूछा है किस चीज की कमी से गोइटर होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फॉस्फोरस। तो गोइटर क्या होता है? बेसिकली जिसको हिंदी में गलसुआ बोलते हैं, इधर पे स्वेलिंग हो जाती है इस रीजन में, तो वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। जब हमारी डाइट में इनफ आयोडीन नहीं होता, उससे गोइटर डिजीज़ हो जाती है। और आयोडीन का सोर्स क्या होता है हमारा? जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं, नमक जो खाते हैं, उससे हमको आयोडीन मिलता है, और आयोडीन की कमी होती है तो गोइटर डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्या पूछा है? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ये नहीं पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच किया गया है, इस पर फोकस करना हमेशा। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेग रेट्स, जो प्लेग बीमारी होती है उसका जो वायरस होता है वो रेट्स के थ्रू फैलता है, तो ये तो सही है। अब रेबीज वायरस जो होता है वो किस में होता है? डॉग्स में होता है, और डॉग्स के थ्रू फिर हमको होता है, तो ये भी सही है। टेपवर्म भी एक ऐसा, हिंदी में जिसको कृमि बोलते हैं शायद, वर्म्स होते हैं, टेपवर्म हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करते हैं, तो उसका जो वायरस होता है, या टेपवर्म्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? पिग्स में रहते हैं, और पिग्स के थ्रू हमको होते हैं, हमको इन्फेक्शन होता है ना। अब इधर जो पोलियो है, पोलियो का जो वायरस होता है उसका ऐसा कोई भी होस्ट नहीं होता, मंकी नहीं कुछ, कोई भी होस्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो वायरस ह्यूमंस में ही रहता है और ह्यूमंस के थ्रू ही फैलता है, तो इसमें जो पोलियो मंकी पेयर है ये गलत मैच है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के फादर कौन थे? रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर और लैंडस्टीनर। तो इम्यूनोलॉजी क्या है? बेसिकली जो हमारे इम्यून सिस्टम की स्टडी है वो इम्यूनोलॉजी है। अब पूछेंगे इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्यून सिस्टम हमारा डिफेंस सिस्टम है। जैसे हमारी कंट्री में
हमारे डिफेंस के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए क्या है, एयरफोर्स है, नेवी फोर्स है, आर्मी फोर्स है ना, वैसे ही हमारे बॉडी में हमारे डिफेंस के लिए इम्यून सिस्टम है। तो उसके जो फादर थे वो कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है, और इन्हीं ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को भी डिस्कवर किया था। ये फैक्ट भी आप अलग से याद रखना कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन सबसे पहली वैक्सीन थी जो कि बनाई गई थी, और वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, ठीक है। इसके अलावा रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, रॉबर्ट कोच ने जो कॉलरा और टीबी जो बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, वो किसके कारण होती है, वो इन्होंने डिस्कवर किया था। लुई पाश्चर ने पाश्चराइजेशन टेक्निक डिस्कवर की थी, और लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए थे, जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, ओ बी ब्लड ग्रुप, ये सारे डिस्कवर किए थे लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है वायरस बैक्टीरिया के अलावा। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ से होती है, कॉलरा, डिप्थीरिया, निमोनिया और मलेरिया। तो जो कॉलरा, डिप्थीरिया और निमोनिया, ये तीनों हैं, ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, है ना, ये किसके कारण होती हैं, ये बैक्टीरिया के कारण होती है। लेकिन मलेरिया जो होता है ये एक प्रोटोजोअन के कारण होता है, जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू प्लाज्मोडियम। अब डिजीज़ की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो कॉजेटिव एजेंट होता है जिसके कारण वो बीमारी होती है ना, और एक चीज़ होती है वेक्टर, जिसके कारण वो बीमारी एक से दूसरे को फैलती है। तो जो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन वो मलेरिया, वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर किसके थ्रू करता है, वेक्टर के थ्रू करेगा, और वो वेक्टर होता है आपका फीमेल मस्किटो, एनाफ्लीज नाम की मॉस्किटो होती है जिससे मलेरिया फैलता है। तो क्वेश्चन में पहले देख लेना कि कॉजेटिव एजेंट पूछा है या वेक्टर पूछा है। अगर कॉजेटिव एजेंट पूछेगा तो प्लाज्मोडियम इज योर करेक्ट आंसर, और अगर ये पूछेगा कि मलेरिया किसके थ्रू फैलता है तो एनाफ्लीज मस्किटो के थ्रू फैलता है, फीमेल एनाफ्लीज मस्किटो, है ना। और इनमें से तो हमारा यहाँ वाला क्वेश्चन क्या था कि विच डिजीज़ इज कॉज बाय अ प्रोटोजोअन, तो इनमें से कौन सी डिजीज़ है, मलेरिया है जो कि एक प्रोटोजोआ से कॉज होती है, बाकी ये तीन जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। मायोपिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ विच बॉडी ऑर्गन। मायोपिया जो है वो इनमें से किस ऑर्गन का डिसऑर्डर है, दोष है, आइज, हार्ट, ईयर और लिवर। तो मायोपिया जो है वो बेसिकली आई का डिसऑर्डर है। मायोपिया क्या होता है, जब किसी को दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे जिस मुझे चश्मा लगा है, काफ़ी लोगों को चश्मा लगा होता है जिनको दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, तो वो डिसऑर्डर क्या होता है, मायोपिया ही होता है। अब जिनको चश्मा लगा होगा उनको पता चल गया होगा कि हमको क्या है, मायोपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके आप ऐप पे जाके एक बार नोट्स ज़रूर विजिट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। डीएनए क्या है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, हमें हमारे मम्मी पापा से, हमारे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स मिले हैं वो कैसे मिलते हैं, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, मतलब डीएनए के थ्रू मिलते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका डीएनए होता है, इसको डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें दो हेलिक्स होते हैं, जैसे एक ये हेलिक्स हो गया और इसके ऊपर ये दूसरा हेलिक्स हो गया, तो
तो ये डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था, ये जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले दिया था, जिसके लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था। सो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO इज लोकेटेड इन। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड के बाद से तो सभी जान गए हैं WHO को। तो कहाँ लोकेटेड है? बर्लिन, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेनेवा। स्विट्जरलैंड की सिटी है जेनेवा, जहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड ड्यूरिंग आई डोनेशन। फिलहाल आई डोनेशन अभी बहुत हो रहा है, तो कभी भी क्या होता है, जब आई डोनेशन होता है, मतलब जब किसी इंसान को जब आई डोनेट करना होता है, तो वो कब भी कर सकता है? उसकी डेथ के बाद ही कर सकता है। तो जब वो आई डोनेशन होता है और जब वो किसी पेशेंट में जब उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो कभी भी होल आई, पूरी की पूरी आँख कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं की जाती है। अब अगर हम आई का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा तो स्ट्रक्चर होता है। ना तो ये क्या होता है, ये बेसिकली आई का लेंस होता है। फिर इधर के साइड में ये जो होता है, ये हमारा प्यूपिल होता है। प्यूपिल क्या होता है? ये जो हमारी आंखों की पुतली होती है, जो ब्लैक ब्राउन जिसका बोलते हैं, जिसकी नीली आंखें, काली आंखें, तो वो जो प्यूपिल होता है वही, उसी का कलर देख के बोलते हैं ना। और इस प्यूपिल के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती, कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं कॉर्निया ना। तो जब भी आई ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो कभी भी पूरी की पूरी आँख ट्रांसप्लांट नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ उसका कॉर्निया चेंज किया जाता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। इसमें से कौन सा स्नेक जो है वो नॉन पॉइजनस है? तो जो कोबरा, वाइपर और कोरल, ये तीनों स्नेक्स जो है, ये पॉइजनस वेनोमस स्नेक्स होते हैं, जहरीले सांप है। और जो हमारा पाइथन है, जिसको हिंदी में अजगर बोला जाता है, ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। अजगर जो होता है वो जहरीला नहीं होता है। तो नॉन पॉइजनस स्नेक इज योर पाइथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये शायद 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है। विच ह्यूमन सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन हॉर्मोन्स। इनमें से कौन सी सेल्स हैं जो एंड्रोजन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं? सर्टोली सेल्स, सेल्स ऑफ लिडिंग, जर्मिनल सेल्स या म्यूकोसा सेल्स। तो एंड्रोजन हॉर्मोन क्या होते हैं? एंड्रोजन हॉर्मोन बेसिकली होते हैं आपके मेल सेक्स हॉर्मोन्स, जो कि मेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पे? टेस्टिस में। मेल्स की टेस्टिस में एंड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं टेस्टिस में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है सर्टोली सेल्स, एक होती है सेल्स ऑफ लिडिग। तो जो सेल्स ऑफ लिडिग होती हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, है ना। एंड्रोजन ये जो लिडिग नाम आया है, ये इसके साइंटिस्ट के नाम से बड़ा है, जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था सेल्स को। तो सेल्स ऑफ लिडिग जो है वो टेस्टिस में एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, और जो टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, मेल टेस्टिस में स्पर्म्स जो बनते हैं, उनको नरिशमेंट का काम करती हैं सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स को बेसिकली नर्स सेल्स भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन अगली बार फॉर्म हो सकता है कि नर्स सेल्स किसको बोलते हैं? सर्टोली सेल्स को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो इधर क्वेश्चन था कि एंड्रोजन कौन बनाता है, तो एंड्रोजन बनाता है सेल्स ऑफ लिडिग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्लांट्स में होती है,
प्लांट्स जब अपना सोलर एनर्जी यूज़ करके, मतलब लाइट एनर्जी, सूर्य के प्रकाश को यूज़ करके जब अपना खाना खुद ही बनाते हैं, वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में पूछा है कि जो सोलर एनर्जी होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। अब ऐसा तो कहीं देखा नहीं किसी ने कि धूप में कोई प्लांट बैठा हुआ है या रखा हुआ है, उसने अपना फूड बनाया और वो उठ के चल दिया, तो मैकेनिकल एनर्जी तो होगी नहीं। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 और वाटर को कंबाइन करके लाइट की प्रेजेंस में, लाइट कौन सी होती है आपकी, सोलर एनर्जी, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज उनका फूड है, उनका जो फूड मटेरियल ग्लूकोज बना हुआ है, ये बेसिकली क्या, केमिकल कंपाउंड है, और ये जो रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। तो इधर क्या हो रहा है, जो लाइट एनर्जी है आपकी, मतलब जो सोलर एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर वो बाकी जो और भी प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस प्लांट्स में, उसके लिए वो यूज़ होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप GLC IAS की ऐप भी डाउनलोड करिए और एक बार विज़िट करिए, वहाँ पे नोट्स भी हैं और टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू।